नमस्कार दोस्त, Drupal 7 इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि अपनी वेबसाइट में हम लोग कोई अगर हमें कोई बेसिक पेज कोई पेज क्रिएट करना है, जैसे एग्जांपल के लिए कोई अबाउट अस पेज हमें क्रिएट करना है, तो वो कैसे क्रिएट करेंगे Drupal 7 में, आइए वो देखते हैं। जो कि हमने एक थीम यूज़ की थी अपने प्रोजेक्ट में, जो ये थी। तो इसमें जैसे ये अबाउट अस पेज है, ऐसे ही हम लोग एग्ज़ाम्पल लेके अपनी लोकल मशीन में क्रिएट करेंगे, आइए देखते हैं कैसे। उसके लिए सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा, सॉरी ऐड कंटेंट में जाना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए बेसिक पेज, क्लिक कीजिए इस पर, यहाँ से आप अपना बेसिक पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो हम अबाउट अस के लिए बना रहे हैं, तो अबाउट अस क्रिएट कर लेते हैं। बॉडी में हम इसकी एग्जांपल के लिए यही यूज़ कर लेते हैं। फुल HTML कर देते हैं। मेनू सेटिंग, दोस्तों अब अबाउट अस है तो जाहिर सी बात है इसका मेनू भी हमें बनाना पड़ेगा, तो हम इस पर क्लिक करेंगे मेनू पे। तो इस जो हमारा पेज का जो टाइटल था हमने जो ऐड किया था यहाँ पर, उसी नाम से अबाउट अस का मेनू भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका पेरेंट मेन मेनू रहेगा, और इसका वेट क्योंकि होम के बाद रहेगा तो इसका वेट 1 कर जाएगा, और जो होम का वेट था वो 0 हो जाएगा। तो इस ऑर्डर में असाइन होता है 0 1, ये इसका वेट के थ्रू ये असाइन होता है मेनू। आइए चेक करते हैं, सेव करते हैं। ये देखिए पेज क्रिएट हो गया और हमारा मेनू भी बन गया Drupal 7 में। अब होम पेज अबाउट अस, ये हमारा नया पेज बन गया। कंटेंट में देखिए यहाँ पर ये अबाउट अस पेज जो हमने बनाया था बेसिक पेज, वो इसका टाइप हो गया और ये हमारा क्रिएट हो गया। दोस्तों, उसमें अगर आपको कुछ एडिट करना है या डिलीट करना है तो आप यहाँ से कंटेंट में जाके यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। अभी कुछ आपको भी यहाँ अपडेट करना है तो आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने कवर किया कि कैसे अपनी Drupal वेबसाइट पर कोई बेसिक पेज कैसे ऐड करना है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।